में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला, आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। झांसी के मऊरानीपुर तहसील कार्यालय के समक्ष वृद्ध मां की जमीन हड़पने में जुटे पुत्र, जिसे लेकर पुत्रों ने रजिस्ट्री लेखक के समक्ष मां के साथ की खींचतानी, सरेआम किया हंगामा। जानकारी के अनुसार वृद्ध महिला मन्नू कुशवाहा पत्नी स्वर्गवासी गुलखाई कुशवाहा निवासी ग्राम बोड़ा थाना मऊरानीपुर ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद तीनों पुत्रों एवं मुझे बराबर बराबर हिस्से में जमीन मिली थी। मैं अपनी जमीन तीनों पुत्रों को बराबर देना चाहती हूँ। मेरा पुत्र भैया लाल व काशीराम मुझे यहाँ लेकर आया है। वहीं दूसरे पुत्र दशरथ ने बताया कि मेरी माँ की जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए मेरे भाई भैया लाल व काशीराम माँ को इलाज के बहाने घर से ले आए और मेरी माँ की जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराना चाहते हैं, जबकि मेरी माँ ने वसीयत मेरे नाम कर दी थी। संवाददाता मनीष नायक के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। अभी आप अपनी माँ के साथ विवाद कर रहे थे बेटा? भाई आए थे मेरे माता जी को पकड़ने के लिए, हम के लिए रख रही रजिस्ट्री भी है। फोटो वोटो लग चुकी है, तब मैं आया तब मैंने माता जी से पूछा क्या हो रहा है, लोगों ने फोटो उतार के फोटो लग चुकी है। तो माता जी की मर्जी से रजिस्ट्री है? नहीं, माता जी की मर्जी से नहीं, जिसने करवाई दिया कह रहा है कि जमीन माता जी का ही नहीं है। रजिस्ट्री की माता जी को जानकारी, माता जी को इस परिस लगवा लिया कि हम इलाज करवाने के लिए चल रहे हैं। तीन जन है, देखिए एक के नाम करवाया है, भैया लाल के नाम करवाया है। अभी क्या है आपका है? आपने यहाँ बताया रजिस्ट्री कर को? हाँ, मैंने अभी यहाँ अभी आए मैं यहाँ से, मैंने तलाशी, कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं दे रहा है। चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि रजिस्ट्री नहीं हो, जनते जीते रजिस्ट्री नहीं होगी। आप ये चाहते हैं सारे भाइयों में बंटवारा हो तो रजिस्ट्री? हाँ, तो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री की जा रही है, फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो रही है। नाम का है? नाम का है किसी की, क्या करते हैं कि वो दुआ कर जा रहे हैं। आपके लड़के लड़की हो रहे हैं किस वजह से? हिसाब गिन लिया का, हम तो आज लगा लिया है कि ये लड़का है मेरे, आज देखो तो ले ही लगा। हां, तो जमीन से कोई मतलब नहीं, कल को तो काम नहीं, आज ही रजिस्ट्री हो जा। की जमीन कितनी लगी? चौथी आई है। काय के लाने आई थी आप? काय के लाने आई है? ये तो बस ये अपना मां की बना को अपने मन से कह दी कि तुम क्यों को आ गए? के रहे उन्हें बेनी के उन्हें कंदो, उन्हें कंदो ये फावता जी के लाने बताना तुम इच्छा लगा कोई पता नहीं है। ये नहीं हमें कोई पन्ने का आए कछु जानकारी नहीं है कछु। ये तो तेलू आ गए थे, ये कहते तेलू आ गए थे, ते होने आए थे और फिर मालू आ गए थे पाए वे अपने संगे की हलू आते क्या नहीं। हां, मोड़ी मोड़ा के आते एक का श्याम कटी वही एक जैसा को मोड़ा। अच्छा, अपनी जमीन आप किया देवे चाह रहे हैं, कौन से मोड़ा गए? उसे क्या तो ही जो है तो ही इनको पतो बहुत हो जा रहे वे के तीन अंग बना देने के तोफा देने तीन खाने हमें तो। गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रवेश हुआ प्रारंभ। विद्यालय में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ज्ञान के साथ साथ बच्चों को संस्कारी बनाने का पूर्ण प्रयास। सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय सुयोग्य शिक्षक द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यालय के संचालक हैं दीपेश श्रीवास व प्रधानाचार्य रघुनंदन गौतम। कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधाएं हैं, हवादार कमरे, खेल का मैदान, पुस्तकालय, डिजिटल नॉलेज हेतु कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। प्रत्येक माह मासिक टेस्ट के साथ साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होगी। बच्चों को आने जाने के लिए वाहन सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही लीजिए गायत्री विद्या मंदिर रेवन मऊरानीपुर में एडमिशन और अपने बच्चों का भविष्य बनाइए उज्जवल। और अधिक जानकारी के लिए 7007021166 और 9695415800 पर कॉन्टैक्ट करें।